चलो भाई बस बस बाइट्स क्या पसंद करते हो आप देखना चाहते इसके अलावा रिस्क ले लीजिए सलमान से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में देखे कि नहीं देखे कि नहीं रिस्क बहुत अच्छा था ऑल द बेस्ट फॉर रेस थ्री मुझे रेस से बाहर करना चाहते हैं लेकिन उन बेवकूफ़ को यह नहीं पता इस रेस का सिकंदर मैं हूँ जी मैं बता दूँ मेरा नाम सागर सलमान पांडे है और मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ सलमान सर की पिक्चर पिक्चर के बारे में कहें वो कह देना वो बेवकूफ़ रेस से मुझे बाहर करना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि रेस का सिकंदर मैं हूँ और एक्चुअल में इस रेस के सिकंदर सलमान सर हैं क्योंकि उनकी वजह से 50% की रेस टू आज 200% की रेस थ्री है और पिक्चर में जो खर्चा किया है हॉलीवुड की पिक्चर है इतना खर्चा किया है कमाल का खर्चा जो फाइटिंग के फर्स्ट सीन से एक्शन शुरू होता है और सलमान सर की एंट्री होती है तो लगता है वाह यार क्या कमाल की एंट्री है आप लोग देखेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि पिक्चर में जो बॉबी दल के साथ में उनका फाइट है रेत का फाइट वो देखेंगे तो अरे यार जलती हुई फाइट है आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और पिक्चर को देखते रह जाएंगे बार बार देखेंगे गाने और डायरेक्शन की बात करें तो किस तरह कितने यार गाने वो मैं आपको कर दूं अल्लाह दुहाई है वो गाना बहुत सुपर डुपर हिट है और आप डांस करेंगे अरे मैं तो ऐसा हूँ ना कि स्टेज पर जाके डांस करने लगता हूँ लेकिन क्या है मेरे दोस्त लोग मुझे पकड़ के रख दिए और मैं रेमो साहब आपको थैंक यू सो मच बोलता हूँ लव यू सो मच आपने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है और ये बहुत बड़ी हिट पिक्चर है आप लोग देखिए और बार बार देखिए डायलॉग मुझे रेस से बाहर करना चाहते हैं लेकिन उन बेवकूफ़ को यह नहीं पता कि इस रेस का सिकंदर मैं हूँ सर अभी इस भी पूछने की बात है हैं? इतनी बड़ी हिट पिक्चर है कि इतना बड़ा खर्चा किया है 5 स्टार से अगर आप किसी ने भी कम दिया ना तो झगड़ा हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी हिट पिक्चर होने वाली है थैंक यू सो मच सलमान बॉबी देओल जैकलीन डेजी एंड इफ देयर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज इन द मूवी हाउ वाज दैट यार दे आर मींस क्या बोलूं मतलब उनका जो फाइटिंग था बहुत अमेजिंग था और सबसे अच्छा लगा जो गर्ल्स आर फाइटिंग डेजी एंड जैकलीन दैट वाज द बेस्ट पार्ट और रेस 1 भी है 2 भी है और ये अभी सलमान खान की तो पहले की मूवी से अगर कंपैरिजन करें तो ये मूवी में किसी चीज की कमी नजर आई इज इट एनी पॉइंट दिस इज द अपडेटेड वर्जन यहां पे हां चलो पूछो हाउ वाज द मूवी मूवी इज़ वेरी नाइस ऑलवेज हर साल सलमान ईद के टाइम पे अपना जलवा दिखाते हैं इस बार भी दिखाया है सो आई लव इट इफ यू टॉक अबाउट द डायरेक्शंस एंड ऑल तो रेमो का डायरेक्शन किस तरह का था फर्स्ट टाइम ही हैज डायरेक्टेड मूवी नो सॉरी सेकंड थर्ड टाइम एबीसीडी आल्सो हैज डन या वेरी नाइस ओके इज देयर एनी पार्ट ऑफ दिस मूवी व्हिच मेक्स द मूवी डाउनग्रेडेड और समथिंग लाइक दैट नो आई डिडंट फील सो आई फील वेरी नाइस द स्टोरी वाज वेरी डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम रेस 1 एंड रेस 2 So is there any lot of twists and turns in this movie? No, I don't think so. The movie is, I feel very good. It should draw. Okay. So lastly, how many stars would you like to give? Is out of? 5. Thank you so much. बहुत ही वाहियात मूवी है कुछ नहीं बोलूंगा आई थिंक पहले वाले ज्यादा बेटर थे एमो डी सूजा केवल डांस करवाए और कुछ नहीं एक्शन बिल्कुल मत करवाए ओके एंड इफ यू टॉक अबाउट द डायरेक्शंस आर लाइक हाउ इज द रेमो डायरेक्शन इन दिस मूवी यू आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन या इट इज अपडेटेड राइट ओके डांस से लेकर कार दे यूज एवरीथिंग वाज अपडेटेड ओके लास्टली हाउ मेनी स्टार्स वुड यू लाइक टू गिव Out of 5, 5 and 5. Thank you so much. Okay, how was the movie?
अच्छा है भाई के लिए, इसका तो सुबह 8 बजे देखना है। ईद में हमेशा भाई कुछ नया लाते हैं, तो इसलिए अच्छी। बहुत दिन के बाद बॉबी देओल जी को देखा और एक्शन बहुत अच्छा है। सबकी अच्छी है, सलमान भाई है तो देखो सबने मेहनत काफी की। मुझे तो एक्शन बहुत अच्छा लगा, सस्पेंस अच्छा है। अभी 29 को संजू आ रही, वो भी देखते हैं। मैं तो इनको 10 to 10 दूंगा, भाई है ना सलमान भाई की मूवी। ए आओ फ्रेंड्स आओ, जल्दी बोलो कैसा रहा। सुनो मूवी बहुत अच्छा बनाया है, रेस 1 रेस 2 से भी ये अच्छा बनाएगा। और जैसे स्टोरी बनाया ना, आपको भी कंफ्यूज में पड़ जाएगा कि क्या है वो। सस्पेंस इतना रखा है कि मूवी में लास्ट में क्लाइमेक्स में ही पता चलता है। और भाई ने बोला है रेस 4 भी आएगा, मगर जानते नहीं कौन आएगा, हीरो कौन आएगा, ऐसा बोले। सस्पेंस रख के रखा है, रेस 4 आएगा या नहीं ऐसा है। मगर मूवी बहुत सुपर है, बॉबी देओल भी है। हाँ, बॉबी का बहुत जो बड़ी बनाया है, बॉबी देओल में जो बड़ी बनाया बहुत अच्छे बनाए हैं। वो भी नया से आपको देखेंगे क्लाइमेक्स सीन में, वो एक आ रहे लुक दे रहे हैं। बॉबी देओल भी बहुत अच्छी लुक दिए हैं, वो भी बड़ी उनका वो कमाल का बनाया है। भाई ने भाई की तरफ से वो बनाया है, वो तो आपको पता है। वो बनाया है कि बोला है कि भाई ने उनको इंस्पिरेशन दिया है कि बना बड़ी, वो बनाया है बॉबी देओल ने। तो बॉबी ने भी बहुत अच्छी बड़ी है, भाई का तो आपको पता है सबको कैसा है। डायरेक्शन की बात करें तो रेमो का डायरेक्शन कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा था डायरेक्शन, बहुत अच्छा दिया रेमो ने। और जो पता चले नहीं तो रेस इसलिए बहुत अच्छा लगा है। अगर बात करें मूवी के साथ साथ जीरो का भी टीजर लॉन्च हुआ है, तो जीरो टीजर लॉन्च नहीं हुआ है अभी कब, मगर अभी नहीं देखे हम, मगर हुआ है तब पता नहीं, अभी होगा शायद, हम जब देखे नहीं था। जीरो का तो पहले देखे हम। थैंक्स मूवी वॉज फुल ऑन ऑसम। सलमान भाई की जो एंट्रीज दिखाई बहुत ज़्यादा ग्रेट थी, जो एक्शन बहुत ज़्यादा फुल ऑन हॉलीवुड के लिए रखी थी, जैसे वो बोल रहे फुल ऑन हॉलीवुड। आई जस्ट लव नहीं उसका लेवल बढ़ते गया। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सलमान ही थे। कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे हैं इस मूवी में? सॉरी, ट्विस्ट एंड टर्न्स थे? हाँ, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स। मूवी के साथ साथ जीरो का भी टीजर लॉन्च किया गया, तो आपने देखा सलमान हमारे साथ जूनियर शाहरुख है, जो जैसा कि वीर लाइक है, सलमान सर ने बहुत सा काम किया है। और फिल्म बॉलीवुड के टक्कर की फिल्म है आजकल, बहुत महंगी फिल्म है, बहुत प्यारी और बहुत अच्छी बनी है। सलमान साहब का काम बहुत अच्छा है, आपको तो पता है कि सलमान साहब की फिल्म देखने जब भी पब्लिक आती है तो घर पे रहता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट देखने मिलता है सलमान साहब की फिल्म में। और जैकलीन का काम बहुत अच्छा है, और बहुत टाइम के बाद बॉबी देओल को देखने का मौका मिला है, बहुत प्यारी एक्टिंग उन्होंने की है। और पूरे पिक्चर के मेन हीरो जो है हमारे अनिल कपूर साहब, और इस जो अच्छा काम करते हैं, हमेशा अच्छा काम करते हैं। डायरेक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अलग कमाल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और डायलॉग है बहुत अच्छा है, पिक्चर में बहुत खर्चा किया गया है। आप ये बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड की फिल्म के अंदर मैं हूँ। थैंक यू सो मच। पर अगर पहले जीरो का भी ट्रेलर लॉन्च टीजर लॉन्च हुआ है मेरे साथ साथ, तो क्या उसकी बात करते हैं, कैसा लगा? अल्लाह तो मैम आप खुद ही देख लीजिए ना, सलमान भाई शर्मा भाई आपको ही बोले हैं, अच्छा उन्होंने इंडस्ट्री में जाहिर कर दिया कि लफड़ा मत करो, बिल्कुल करो। और पूरे वर्ल्ड के तरफ से, पूरे हिंदुस्तान के तरफ सलमान भाई और शाहरुख भाई ने तो ईद मुबारक बोल ही दिया। और वो जीरो का है ना, हम जिसके पीछे लग जाते हैं लाइव उसकी, जो गाड़ियों की तोड़ फोड़ है, बहुत महंगी पिक्चर बनाई है और पिक्चर को 5 करोड़ करना चाहिए। सॉन्ग्स थोड़ा बोरिंग है। सलमान खान यू नो फिल्म का हिस्सा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कितना ऑब्वियस सलमान खान फैन, तो मुझे तो इसलिए बहुत शो देखने आता हूँ। रेस सीरीज रही है, फ्रेंचाइजी रही है, ये कितनी अलग है पिछली रेस जो आई है? आई थिंक पहले वाली ज़्यादा बेटर थी। ओके, इतनी बड़ी स्टार का जस्टिफाई होती है? आई थिंक ठीक है, सबका रोल और सबका ठीक ही है, बस फ्रेडी का रोल थोड़ा कम है। ओके, म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे तुम? म्यूजिक वही, सॉन्ग्स थोड़े बोरिंग है, बस जो टाइटल ट्रैक है वो अच्छा है और हीरी है। क्या सलमान खान जस्टिफाई करते हैं? सलमान खान तो जस्टिफाई करते ही हैं, क्योंकि मैं सलमान खान फैन हूँ, तो वो तो जस्टिफाई करेंगे ही मेरे लिए। ओके, 5 बजे कितने स्टार देंगे आपको?
डिफरेंस है लेकिन बहुत अच्छी या यू शुड एक्चुअली गो एंड वॉच इट. रेस की फ्रेंचाइजीज काफी सालों से है तो उसको लेके अगर बात करें तो उससे ये वाली बेटर है ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ सलमान खान होल्ड नहीं आप टेल मी. उसी के साथ साथ जीरो का भी टीजर लॉन्च किया है तो जीरो का टीजर देखा? नो नो आईडिया अबाउट जीरो एट ऑल बट यू ऑल शुड गो एंड वॉच इट वंस. थैंक यू. चलो लास्ट हाउ वाज द मूवी? मूवी फिर से बताऊं बिल्कुल मज़ा नहीं आई. बहुत एक्सपेक्टेशन थी रेस वन से रेस टू से और वो चीज़ें नहीं पूरी हो पाई. मुझे लगा ट्यूबलाइट के बाद एक और खराब थी जिंदगी. बट ये फिल्म कमर्शियली अच्छी जाएगी क्योंकि ईद का टाइम है छुट्टियां हैं और सलमान भाई के सब फैंस हैं तो डेफिनेटली फिल्म देखने जाएंगे. बट जो लेवल तक फिल्म पहुंची चाहिए वो लेवल तक तो आई थिंक नहीं पहुंच पाई. अगर इस टाइम यारियां आती तो वो सुपर हिट हो जाती. अगर इस टाइम यारियां इससे अच्छी थी. अगर हम बात करें डायरेक्शन एंड गानों की तो कैसे? डायरेक्शन में रैमो सर को करना ही नहीं चाहिए, वो सिर्फ कोरियोग्राफर है. अब्बास उनको कोरियोग्राफी करनी चाहिए, उस पर फोकस करें वो. डायरेक्शन में उन्होंने इसके पहले फ्लाइंग जेट जैसी फिल्म हम लोगों को टॉर्चर दिया था उसके बाद एक फिल्म और सेकंड टॉर्चर तो अभी जो उनको नहीं करना चाहिए. अब्बास मस्तान सर को बहुत मिस किया फिल्म में क्योंकि रेस वन रेस टू जो इनका स्टाइलाइजिंग है फिल्म का. प्लीज प्लीज ये अपने चैनल से आप उनको हैशटैग करिएगा क्योंकि अब डायरेक्शन ना करें. गाने गाने कोरियोग्राफ तक ठीक है क्योंकि इसके चक्कर डायरेक्शन के चक्कर में उनके गाने गानों का कोरियोग्राफर भी बहुत खराब हो गया. इस फिल्म का कोरियोग्राफर भी खराब था. कोरियोग्राफी में वो सच में बहुत अच्छे हैं. इस फिल्म में मुझे कोरियोग्राफी भी अच्छी नहीं लगी. अगर हम बात करें बाकी और भी लोग हैं मूवी में, डेजी है, बॉबी देओल है, काफी लोग हैं तो उनकी एक्टिंग कैसी थी? अनिल कपूर इज सब बेस्ट है फिल्म में. सबसे उन्होंने अच्छा किया था. उसके बाद सलमान भाई एज यूजुअल जो करते हैं एक्टिंग वाइज तो बुरा था लेकिन जब उनके पास बोलने के लिए अच्छे डायलॉग्स नहीं होंगे, उनके लिए करने के लिए अच्छे सीन्स नहीं होंगे, वो क्या करेंगे? आप पूरी की पूरी फिल्म स्टाइलाइजिंग पे नहीं खेल सकते, है ना? ये एक फैक्टर. और वो मिक्स मैच करने की कोशिश की, वो वेस्टर्न प्लस भोजपुरी भोजपुरी का तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि सलमान भाई अगर भोजपुरी बोल रहे हैं तो ठीक से बोलिए क्योंकि भोजपुरी मतलब वो फेक लैंग्वेज और आप फेक बोलेंगे बीच में तो गड़बड़ है. लास्टली कितने स्टार्स हैं? 1.5.